हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कशन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर, डिफरेंट गुड्स यानी कि नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, गिवन गुड, सब्स्टिट्यूशन गुड एंड कॉम्प्लीमेंटेड गुड आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग को प्रीवियस वाला वीडियो अच्छी तरह से देखना है। उस पर हमने डिमांड का डिस्कस किया है, व्हाट इज डिमांड, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना अच्छी तरह से एंड चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड कैसे ऑपरेट होता है, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या रीज़न है जो डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, सो उसका फाइव इंपॉर्टेंट रीज़न है, हम वन बाय वन डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। पहला जो रीज़न है वो है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। क्या था वो, कि अगर एक्स कमोडिटी हम बार बार कंज्यूम करेंगे, यानी कि एप्पल एक्स कमोडिटी मान लेते, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ वन कमोडिटी में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स होता है तो वन कमोडिटी का इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मान लीजिए कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो फॉल कर रहा है, तो अगर प्राइस कम है तो हमें जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा प्राइस से, सो एम यू एक्स ग्रेटर देन पी एक्स। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि प्राइस एंड कंजम्पशन जो है किसी आइटम का वो इनवर्सली रिलेटेड है। अगर प्राइस कम होता है तो हम जो कंज्यूमर है हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर प्राइस ज़्यादा हो गया तो हम कम कंज्यूम करते हैं। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट रीज़न हो सकता है डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का, वो है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है कि अगर मनी इनकम को कंज्यूमर टू गुड में स्पेंड करता है तो दोनों का सेटिस्फेक्शन बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अभी मान लीजिए अगर एक्स का प्राइस फॉल होता है तो कंज्यूमर क्या करेगा, इन टर्म्स ऑफ एडिशनल यूटिलिटी उसको एक्स में ज़्यादा मिल गया क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स फॉल हो रहा है, तो कंडीशन क्या होगा, ये डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब होने के बाद क्या होगा, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स ज़्यादा होगा ग्रेटर देन एम यू वाई डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई, क्योंकि एक्स का प्राइस फॉल कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि अगर प्राइस फॉल होता है तो डिमांड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट रीज़न हो सकता है वो है इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट को अच्छी तरह से समझना एकदम इजी है कि अगर कोई आइटम का प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर के पास ज़्यादा परचेजिंग पावर होता है, वो ये आइटम ज़्यादा खरीदने का चांसेस है क्योंकि उसका प्राइस फॉल हो रहा है। समझ में आ गया, ऑपोजिट होगा अगर इसी आइटम का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो कंज्यूमर कम परचेज करेगा क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर कम हो गया है। समझ में आ गया, तो ये जो डिमांड चेंज होता है ना, किसी आइटम का डिमांड चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर, इसी को इनकम इफेक्ट कहते हैं और कुछ नहीं। सो ये है हमारा थर्ड रीज़न। फोर्थ जो रीज़न हो सकता है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, कि अगर मान लीजिए किसी आइटम का प्राइस फॉल हो गया एंड उसके कंपैरिजन में उसका जो रिलेटिव जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। नहीं समझे ना, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का जो प्राइस है वो घट गया है कंपैरिजन इन कंपैरिजन टी, तो क्या होगा, टी का प्राइस चेंज भी नहीं होगा तो हम लोगों को क्या लगेगा, कॉफ़ी मतलब क्या लगेगा, कॉफ़ी सस्ता लगेगा क्योंकि टी के कंपैरिजन कॉफ़ी का प्राइस फॉल हो गया। तो ये जो डिमांड चेंज हो रहा है ना रिलेटिव प्राइसेस के वजह से, उसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है, ओके। फिफ्थ रीज़न है डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का, वो है चेंज इन द नंबर ऑफ बायर्स। अब मार्केट में बायर कब चेंज होंगे, आपको भी पता है हमें भी पता है कि अगर मार्केट में प्राइस कम होगा तो नंबर ऑफ बायर ज़्यादा होगा, न्यू बायर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ओल्ड बायर भी ऑलरेडी है तो ओल्ड न्यू बायर डिमांड करेंगे किसी प्रोडक्ट का। सिमिलरली अगर प्राइस इस प्रोडक्ट का बढ़ जाता है तो डिमांड क्या होता है,
डिमांड कम हो जाएगा, किसी बायर को लगेगा कि इस आइटम अपना बहुत से बार है। सो ये था हमारा 5 इम्पोर्टेंट रीज़न जो लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का कारण। अब हम डिस्कस करने वाले सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, लोग को अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नॉर्मल गुड को समझ लेते हैं। क्या है नॉर्मल गुड, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। मतलब अगर कंज्यूमर का सिर्फ इनकम अगर बढ़ता है तो किसी आइटम का डिमांड भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कंज्यूमर का मंथली इनकम है 10,000 रुपीज़, तो वो क्या परचेस करता है, वो मिल्क परचेस करता है पर डे 2 लीटर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए कंज्यूमर का इनकम 10,000 से 12,000 मतलब 2,000 राइज हो गया, तब उसका जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ गया। ही परचेजेस 3 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे, तो समझ में आ गया इनकम बढ़ गया तो कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, उसको नॉर्मल गुड कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इन्फीरियर गुड। डेफिनेशन, इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच फॉल्स एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। तो ये नॉर्मल गुड से थोड़ा डिफरेंट है। इन्फीरियर गुड क्या है, अगर इनकम बढ़ता है तो कंज्यूमर किसी आइटम का डिमांड कम करता है, अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। चलिए अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कंज्यूमर का जब इनकम कम था तब वो क्या देखता था, वो ब्लैक एंड वाइट प्रिफेयर करता था क्योंकि उसके पास कम पैसा था, इनकम भी कम था। अब मान लीजिए कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हो गया, तब वो क्या करता है, ब्लैक एंड वाइट टीवी को रिप्लेस कर वो कलरिंग टीवी देखता है, तो उसको इनका इन्फीरियर गुड कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में वो है गिफेन गुड्स। क्या है गिफेन गुड्स, सो गिफेन गुड्स इज ए स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड। तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। गिफेन गुड्स आर दोज गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड ए लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड हुज डिमांड फॉल विद द फॉल इन देयर प्राइसेस। मतलब कि कंज्यूमर डिमांड करता है, जब उसका प्राइस ज़्यादा होता है तो अपना लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम वो स्पेंड करता है। इसी आइटम का अगर प्राइस कम हो जाता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है, तो उसको गिफेन गुड कहते हैं। ये पहले डेवलप किया है प्रोफेसर रॉबर्ट ग्रिफिन ने। हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सब्स्टिट्यूट गुड्स। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर वांट। एक नहीं तो दूसरा हमारे जरूरतों को पूरा कर सकता है, उसी को सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि वहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है डिमांड फॉर ए गुड एंड प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट। अब ये क्या है, ये समझने के लिए हम लोग को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, उससे हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं टी एंड कॉफ़ी। प्राइस अगर टी का बढ़ जाता है तो लोग कॉफ़ी का डिमांड करेंगे। अगर कॉफ़ी का प्राइस अगर बढ़ जाता है, टी का सेम प्राइस रहता है, तो लोग टी में चले जाएंगे क्योंकि प्राइस ऑफ कॉफ़ी का बढ़ गया। तो एक का अगर प्राइस बढ़ गया तो लोग दूसरा का डिमांड करेंगे। तो ये है सिंपल डेफिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड विथ एग्जांपल। आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया। चलो हमारा जो लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में वो है कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। तो चलिए डेफिनेशन को देखें। कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड jointly or togetherly, there is an inverse relationship between demand for a good and its complement। मतलब ऐसा गुड जो हमारा ज़रूरतों को पूरा कर सकता है हम लोग jointly use कर सकते हैं। For example हम लोग ले लेते हैं कि अगर कार चलाना है तो हम लोग को पेट्रोल भी चाहिए, तो पेट्रोल एंड कार हम लोग ले सकते हैं, पेन एंड रिफिल भी ले सकते हैं, ठीक है, चाय एंड शुगर भी ले सकते हैं, समझ में आ गया। तो हम लोग जो jointly डिमांड करते हैं उसको कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो डोंट मिस टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।